तो चलो अब सोनमर्ग चलते हैं, घुमाएं थोड़ा सा। बेसिकली सोनमर्ग इज़ ओनली अबाउट द व्यूज़। तो हमने, हमारा एक प्रॉपर्टी है, हमारा फ्रेंड वेट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वहीं जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, स्नैक्स खाएंगे एंड व्यू का थोड़ा सा मज़ा लेंगे और वापसी आ जाएंगे। सिर्फ आज का दिन यही है और रात को प्लान है कि वाजवान खाना है। हाय, आज डे टू है और आज हम कहाँ जा रहे हैं? सोनमर्ग। सोनमर्ग ये श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर है, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे की ड्राइव, 2 घंटे की ड्राइव है। और बाकी हम फिर वहाँ जाके आप लोगों को दिखाते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ पे और ये वाला व्यू भी ठीक ठाक है। मम्मी गाड़ी में चलाऊंगा। बाबू सब ठीक है? सब ठीक है बाबू, सब ठीक है, सब ठीक है बाबू। पक्की? गाड़ी में चलाऊंगा। नहीं ठीक है बाबू, आप चलाओ, पलटा दो। अच्छा बच रहे मेरे ऊपर, पलटा नहीं है, मेरे बालों पे जाना है। जा रहे हैं बाबू पाल में? बाबू पालों पे जाना है। जाएंगे जाएंगे पाल में जाएंगे, ये तो पाल में ही जा रहे हैं ना, पाल में जा रहे सोनमर्ग पहुंच गए हैं। काफ़ी प्यारी जगह है, लिटरली बहुत ही सुंदर व्यू है जगह का, बहुत ही लाइक पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, प्रॉपर लाइक स्क्रीनरी है और लाइक होटल्स बने हैं चारों ओर और लाइक इन्होंने लॉबी में हमें, हम तो आज एक दिन के लिए ही हैं बेसिकली यहाँ पे, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए और लाइक सिर्फ व्यू है, सीनिक ब्यूटी है काफ़ी अच्छी। और बताते हैं काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पे, बजरंगी भाईजान एंड ओल्ड सम ओल्ड मूवीज़, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग श्रीनगर से आए हैं सिर्फ आज लाइक 3-4 घंटे के लिए, 2 घंटे की ड्राइव है, 3 घंटे यहाँ रुकेंगे एंड लाइक वापसी चले जाएंगे एंड वापसी स्टे श्रीनगर, श्रीनगर में ही है। कल नेक्स्ट डे वी विल गो बैक टू सम अदर प्लेस, गुलमर्ग प्रोबेबली। सो लेट्स सी और क्या क्या है चीज़ें यहाँ पे करने के लिए, बट फॉर द टाइमिंग सारी सीनिक ब्यूटी है देखने के लिए यहाँ तो। Thank you.
सो सोनमर्ग आए थे लाइक और यहाँ की सीनिक ब्यूटी है रेडिसन में लाइक क्या देख रहा भाई हम वीडियो ना बनाए बहुत ही सुंदर जगह है क्या दृश्य है क्या नजारे हैं क्या कहने हैं कंट्री इन एंड स्वीट्स यहाँ के पकोड़े लाजवाब माशाल्लाह चटनी भी टेस्टी थी कड़वी थी खट्टी थी चटनी चटनी मिंट सॉस नहीं थी हरी चटनी थी हरी चटनी मिंट सॉस नहीं है हरी चटनी थी मैंने कहा भैया थोड़ी सी मिंट सॉस एक बार दोबारा बोलो सर एक बार दोबारा बोलो कह रहा सर मिंट सॉस तो नहीं होगी हमारे पास हरी चटनी होगी यू वांट इंग्लिश में इन्हें फिर हरी मेरे से मिंट सॉस क्यों नहीं मांगी और ये लड़का था वहां जाके मुझे कह रहा हाँ जी भैया मैंने कहा आपको नहीं भैया नहीं कह रहा हेलो व्योम व्योम हेलो कर दो चाचू को पुच्ची कर दो ऐसे पुच्ची फ्लाइंग किस कर दो ओवर आंख मार दो आंख मार दो हां हां और के पास चले ये देखो व्योम की मम्मी गुस्से में बैठी है पता नहीं सुबह से तू मेरे पास मत लेकर आया क्यों ना लाए आपके पास एडिट होगा कट 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 एक्शन एक्शन क्या होता है पहले कर तो करने दे एक्शन अच्छी वही आगे कुछ बोल दो फ्लॉप हो इशारे तेरी करती निगाह आवे तोरे मेरे चले से हवा भरिया मेरा दिल लुट के निगा तेरा कुटिया दिल कला तेरा यार मेरी रानी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो क्या चश्मा बनाया तूने बाबू इतना अच्छा लग रहा है क्या आप सब बताओगे अच्छे लग रहे हैं नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो अब फाइनली कश्मीरी वाजवान खाने आ गए हैं मुगल दरबार है बहुत फेमस रेस्टोरेंट है कश्मीर में मुगल लोकेशन से ही आए फिर भी मैं लोकेशन मेंशन कर दूंगा इसकी दूसरी चीज़ है जो वाजवान है एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता बट हाँ इसमें कश्मीरी डिश होती है काफ़ी सारी और ये टोटल मेजॉरिटी मटन मेजॉरिटी सारा मटन ही होता है इसमें तो 48 मिनट का है प्लस टैक्सेस अप्रॉक्सीमेटली 5000 का पड़ेगा एंड लेट्स सी फोटो दिखाते हैं कैसे और खा के बताएंगे सो भाई फाइनली अब डिश जो खानी है पूरे दिन से जिसकी वेट कर रहे थे कश्मीरी वाजवान सो इसका डिश का प्राइस बता दूँ सबसे पहले तो ये 5-6 आइटम्स आती हैं डिश के अंदर 4800 प्राइस है इसका कोई टैक्स एंड और मिला के सब कुछ 5000 की डिश है तो बेसिकली अब ओरिजिनली जो स्टेज का रिव्यू था तो बहुत अच्छा नहीं था नॉट सो वर्थ इट थी बेसिकली ये डिश एक तो हमने बस खाया और ख़त्म करा बेसिकली बोलो हैप्पी बर्थडे